जनपद बांदा में एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर प्रयागराज के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एस के सिंह सेना मेडल व एनसीसी बटालियन फतेहपुर कमांडेंट ऑफिसर कर्नल ओपी शर्मा के निर्देश में यूपी एनसीसी कंपनी पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय बांदा द्वारा कोविड 19 वैक्सीन के लिए निकली गई जागरूकता रैली। एनसीसी कंपनी डॉक्टर लेफ्टिनेंट प्रत्युष मिश्रा द्वारा कोविड 19 जागरूकता अभियान रैली महाविद्यालय से प्रारंभ हुई। डीएम आवास जीआईसी फील्ड से महाराणा प्रताप चौक से इत्यादि शहर में एनसीसी कैडेट द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। इस रैली में अंडर ऑफिसर मनोज कुमार, योगेंद्र, पूर्व सीनियर संदीप जैसे कई कैडेट्स मौजूद रहे। सर, एनसीसी कैडेट्सों के द्वारा कोविड 19 के तहत किस प्रकार का जागरूकता अभियान चलाया गया और कहां पर चलाया गया, किस प्रकार की जागरूकता आपके द्वारा किया गया? ग्रुप हेडक्वार्टर प्रयागराज एनसीसी ब्रिगेडियर एस के सिंह सेना मेडल तथा 60 यूपी बटालियन फतेहपुर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ओपी शर्मा के दिशा निर्देशानुसार एनसीसी के 6/60 एनसीसी पंडित जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज बांदा की इस यूनिट ने वैक्सीनेशन के संबंध में जागरूकता रैली निकाली। ये जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, जिससे हम कोरोना को पूर्ण रूप से हरा सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि हरा सकते क्या, हराएंगे, और तब हराएंगे जब हम इसको 100% वैक्सीनेशन के अपने चरण को पूरा करें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज महाविद्यालय परिसर से हमने अपने कैडेटों के द्वारा ये अभियान, जागरूकता अभियान चलाया। ये महाविद्यालय से होकर के डीएम आवास, जीआईसी ग्राउंड से होते हुए महाराणा प्रताप चौराहा, फिर महाविद्यालय में आकर के इसका समापन हुआ तथा हम इस जागरूकता अभियान को कई चरणों में पूरा करेंगे। कुछ गांव चयनित करेंगे और उन गांवों में जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे। सरकार ने 45 इयर्स के बाद से लेकर के जितने भी आपके ओल्ड एज के नागरिक हैं उन सबके लिए वैक्सीनेशन निश्चित कर रखा है, तो हमें बुजुर्गों को मुख्य रूप से शहर में तो जागरूक हैं लेकिन गांव में ये भी जागरूकता पूर्ण रूप नहीं है। वो सोचते हैं कि वैक्सीनेशन कराएंगे तो कुछ दिक्कत हो सकती है या सही है या गलत है, तो अगला चरण हम अपने गाँव में रखेंगे और गाँव के माध्यम से हम वहाँ के जितने भी बुजुर्ग या जो भी आपके 45 प्लस के नौजवान हैं या युवक हैं हम उन्हें जागरूक करेंगे और इस वैक्सीनेशन लगवाने के लिए उन्हें हम पूर्ण करके जिला हॉस्पिटल जो कोविड वैक्सीनेशन का सेंटर है हम वहाँ पर उन्हें लाएंगे।